मुझे तो अब तक बिलीव नहीं हो रहा है कि ये सब सच है। तुम्हारे आई बाबा मान गए और मेरे आजी आजोबा ने भी शादी के लिए हाँ बोल दिया। आई कांट बिलीव इट नरेन। तुम्हें पता है पिया कह रही थी कि कल से मेरा चेहरा कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। अच्छा तो एक काम करो, एक फोटो सेंड कर दो, मैं भी देख के बताता हूँ। नहीं अब, अच्छा नरेन कोई आया, मैं बाद में करती हूँ। अरे वन सेक यार, दिस इज नॉट फेयर। हमारी शादी होने वाली है, उनको बोलो कि हमें प्राइवेसी की जरूरत है, वी नीड टू टॉक। नरेन प्लीज अंडरस्टैंड, मैं करती हूँ, आई विल कॉल यू बैक, प्रॉमिस, बाय। परी बिजी हो? नहीं तो परी कुछ बात करनी थी। आज इतनी फॉर्मल क्यों हो रही है? आना। शिरीष जी और वैशाली जी आए थे तेरा हाथ मांगने नरेन के लिए। वो चाहते हैं कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जाए। मैंने और मानव ने भी बहुत सोचा और हमें लगता है कि यही सही है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। ताई तू चाहे जो भी कह ले, मेरा दिल नहीं मान रहा। मुझे अब भी यही लगता है कि तेरे पेट में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं, नरेन जीजू का ही है। लेकिन फिर तू इस सच्चाई से क्यों भाग रही है, क्यों इनकार कर रही है? हाँ शायद एक वजह हो सकती है कि तुझे लगता है कि जीजू की खुशी परी से शादी करने में है। शायद इसी वजह से तू अपना प्यार सैक्रिफाइस करने पर तुली है। लेकिन ताई माँ होना कितना बड़ा एहसास होता है, और तू उस एहसास को भी पता नहीं कौन सी मिट्टी से बनी है, तू कैसे ये सब कर लेती है। मानसी क्या सोच रही हो? हाँ इधर आओ, दूध लेकर आओ, जल्दी से पी लो और सो जाओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? इतनी अपसेट क्यों? कोई प्रॉब्लम? नहीं कुछ नहीं हुआ। किसी भी चीज को अपने दिल में रखना, ऐसे सोचना, इतना स्ट्रेस लेना हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। प्लीज खुल के बताओ क्या हुआ है। शशांक मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बात आपको कैसे बताऊं? शशांक का प्रॉमिस कीजिए आप कभी ये बात किसी को नहीं कहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी ये बात है? बात ताई से रिलेटेड है, इनफैक्ट वो तो मुझे भी नहीं बता रही थी। पता नहीं क्यों सबसे छुपाना चाहती है, वो तो मुझे अचानक पता चल गया। वरना शशांक आप उसको कभी मत बताना कि मैंने आपसे बात शेयर की। अच्छा बाबा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा किसी को। बताओ हुआ क्या है? ताई प्रेग्नेंट है। मनु तुम्हें ये? शशांक मैं सच बोल रही हूँ, ताई प्रेग्नेंट है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी रिपोर्ट्स देखी है। किसी को नहीं बता रही है, पता नहीं क्यों सबसे झूठ बोल रही है। और आप जानते हैं कि जब मैंने उससे पूछा तो उसने क्या कहा? कि बच्चा नरेन जीजू का नहीं है। क्या? हाँ मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है, वरना ताई ऐसे झूठ क्यों बोलेगी? और शशांक अगर नरेन जीजू का बच्चा नहीं है तो बच्चा किसका है, हमें पता होना चाहिए ना। उसने बताने से मुझे साफ इनकार कर दिया। मानसी मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अंकिता नहीं चाहती कि हम उसकी लाइफ में इंटरफेयर करें। शशांक लेकिन मैं उसकी बहन हूँ। पर फिर भी देखो ये उसकी जिंदगी है, हर किसी की पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ राज होते हैं, और जरूरी नहीं कि वो हर किसी से शेयर करे। जरूरी है शशांक, अगर मुझसे नहीं शेयर करेगी तो किससे करेगी? फिर भी वो नहीं चाहती कि हम उसमें इन्वॉल्व हों। शशांक मानसी समझने की कोशिश कर, अंकिता बहुत बुरे फेस से गुजर रही है, वो नहीं चाहती कि कोई भी उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। हमें उसकी फीलिंग्स रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शशांक मैं जानती हूँ, लेकिन ताई ये सब सिर्फ जीजू के लिए कर रही है, क्योंकि उसको लगता है कि जीजू परी से प्यार करते हैं। पर वो एक बार जाकर उनको बताएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा, आई एम श्योर। और अगर वो नहीं बता सकती है तो मैं जाकर। नहीं नहीं तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करो, तुम नरेन से कुछ भी नहीं कहो, ये बहुत बड़ी बात है, जितनी ही बढ़ेगी उतनी ही बदनामी होगी। शशांक आप बदनामी की बात कहा ना, एक बार उसको नहीं बताना है तो ना बताए, लेकिन हम इसमें नहीं पड़ेंगे, एंड दैट्स फाइनल। ओके सर, मुझे लगता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा जहां हम कस्टमर्स को इतनी सारी फैसिलिटी हैंडसेट में। क्या हुआ तुम रुक क्यों गई? नरेन सर मुझे लगा कि आप कुछ और सोच रहे थे।
एक्चुअली यू राइट, बाहर शादी की प्रेपरेशन चल रही है एंड मॉम इज शी इज हैंडलिंग इट अलोन, और मेरे दिमाग में भी, बट मैं तुम्हें सुन रहा था, वो तुम हैंडसेट की बात कर रही थी ना, जो तुम फैसिलिटीज दे रहे थे उसके अंदर। एक्चुअली मेरा ना ऑफिस जाने का मन ही नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। आई डोंट नो, प्रायोरिटीज जस्ट चेंज ना, देखा तुमने, किसी से प्यार हो जाता है और उससे शादी होने वाली होती है तो एवरीथिंग एल्स टेक्स अ बैक सीट। देखना तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा, जब किसी से प्यार हो जाएगा ना, सब कुछ भूल जाओगी, काम, लोग, दोस्त, सिर्फ वही एक इंसान याद रहेगा। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू वर्क। आई नो शादी का टाइम है एंड आई एम लिटिल एक्साइटेड ऑल्सो, नर्वस ऑल्सो, और आहाना के बारे में सोचे जा रहा हूँ, बट वर्क इज इम्पॉर्टेंट, हमें काम पे ध्यान देना चाहिए। बताओ, आप एक काम कीजिए, आप शादी की तैयारियां कर लीजिए, जब आपको टाइम मिलेगा तब हम काम कर लेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम हो तो फिर भी काम हो रहा है थोड़ा बहुत, अगर तुम नहीं होगी तो आई डोंट थिंक सो मैं थोड़ा बहुत भी काम कर पाऊंगा। आई होप आई डिडंट डिस्टर्ब। नो नो टेल मी मॉम। नरेन, ये कुछ शादी के कार्ड के सैंपल हैं, हैव अ लुक। देखो। हाँ, सभी अच्छे हैं मॉम, सिलेक्ट एनी, जो आपको अच्छा लगे। नरेन, शादी तुम्हारी है ना, तुम्हें पसंद करना होगा, कम ऑन हैव अ लुक। ओके वेट, ये लो। ओके, या 4, 5, 6। मुझे एक पसंद आ गया। ओके, मैं बताऊंगा नहीं। अंकिता तुम बताओ, तुम्हें कौन सा अच्छा लगा? लेट्स डू अ पोल ना, और अगर दो लोगों को एक ही कार्ड पसंद आया तो वी विल फाइनलाइज दैट। बताओ कौन सा अच्छा है, बोलो, पिक एनी। ओके नरेन सब मैम। अरे जब वो कह रहा है तो बता दो ना। हाँ कोई भी, पिक वन। थर्ड वन। मॉम वी आर फाइनलाइजिंग दिस, मुझे भी एग्जैक्टली यही पसंद था। आई मीन सब अच्छे हैं लेकिन दिस वन इज द बेस्ट, सो वी विल गो विद दिस। ओके राइट, दिस इज डन। थैंक यू, थैंक यू। राइट, वी विल कॉन्सेंट्रेट नाउ, टेल मी। क्या हुआ अंकिता, यू ओके? हाँ बताओ उस हैंडसेट के बारे में। किता यहाँ तरीन की शादी की तैयारी हो रही है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो नरेन सर का एक प्रोजेक्ट मैनेज कर रही थी, वही डिस्कस करने आई थी, तो शादी की बात निकली तो मैं यही सब कर रही थी। एक सेकेंड ना। हेलो, मैं कर्मरकर हाउस से बोल रही हूँ। एक्चुअली मुझे केक ऑर्डर करना था और उस पर लिखा होना चाहिए बेस्ट विशेस टू नरेन सर एंड परी मैम। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ कह रहे थे तुम? क्या कहो तुम, अपने पति की शादी की तैयारियां कर रही हो तुम? अंकिता नरेन तुम्हारा पति है, ये सब कैसे कर सकती हो तुम? कर सकती, इसी में उनकी भलाई है, इसी में उनकी खुशी है, तो क्यों नहीं कर सकती? तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। भगवान करे मेरी तरह कोई और हो भी ना। एक्सक्यूज मी मैम, बैक प्लीज। यस सर। उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे को फटाफट दे दो। यस सर। साड़ी दिखाना भी लेटेस्ट प्लीज। प्लीज सर बैठिए। हाँ अच्छा, वो उसको पूरा नॉर्थ इंडिया का सप्लाई देते हैं, व्हाट आई थिंक इज दैट ही इज हैंडलिंग राजस्थान दिल्ली साइड। हैप्पी? या आ रहे हो, मैंने बोल दिया उसको। अच्छा, ही इज गेटिंग सम गुड लेटेस्ट कलेक्शन साड़ीज। फाइनली शादी शॉपिंग। मैम ये हमारा लेटेस्ट कलेक्शन है। लेटेस्ट कलेक्शन, व्हाट आर दीज कलर्स? आई एम सॉरी मुझे एक भी पसंद नहीं है, प्लीज कुछ और दिखाइए। लेकिन मैम को ये कलर सूट करेंगे, आप एक बार ट्राई तो कीजिए ना मैम। नहीं नहीं ये इनके लिए नहीं है, ये हाँ ना अरे व्हाट हैपेंड? नहीं पता था यार, इज दिस अ सेल्समैन यार।
पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।